लॉयंस गेट वाला जो शेर जाता है अरूप उसको नाम भूल गया अपना, इतना नींद में है। मेरे वाले साथ में प्यार भरी सात श्री अकाल, उम्मीद करते हैं सारे ने ठीक होंगे। तो आ की चक्कर आए, आ की गंदा किवें हो गया, लगता आपके शूज मेरे ही लगी जाते। चलो है खैर, बाकी सारियां नूं मैं एक जरूरी गल करनी सी, वो ये है कि तुहानूं सारियां नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल, हाथ जोड़ के सारियां नूं रमज़ान मुबारक। सारे ने वधिया वधिया अपने रोज़े रखो, वधिया वधिया सेहरी करो, फिर वधिया इफ्तारी करो, तो रब नूं अल्लाह नूं याद रखो, तो साड़ियां वीडियोज़ देखते रहो। मतलब रमज़ान के साड़ियां वीडियोज़ देख सकते हो मैं लगता शायद, हाँ शायद, मतलब आप उदा का कोई कंटेंट बनाने यार जो तुम नहीं देख सकते, शायद तुम इंजॉय कर सकते हो यार। बाकी जो नहीं तो मैं कमेंट करके दस दो, आप कंटेंट में चेंज कर देंगे। सो डकी बाई का एक व्लॉग आया जिद अपनी फैमिली के नाल शेयर ही कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखा जरूर कि एक फैमिली, पाकिस्तान की एक फैमिली किस तरह शेयर करती है, इफ्तारी करती है, रोजे रखती है, किस तरह रमज़ान मना है। सो आओ देखिए बिना किसी तो, चल दो फटे सब्सक्राइब वाले 90,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लाख कर दो जल्दी तो जल्दी बस आ जाओ लेने चलो जल्दी से सही कर लो। अरे मैं 5 मिनट में खा लेता हूँ, 2 रोटियां तुम्हें मेरा पता नहीं है। जितनी लेट सैरी करेंगे ना उतना छोटा रोजा होगा, तुम है कि नहीं समझ रही है। बात है सर, कुछ और 10 मिनट रह गए, थोड़ा टाइम है, 10 मिनट रह गए। मुनीब नहीं उठा, अम्मा मुनीब को पहले मार के उठाए ना यार। ओए वो 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, सैरी का वक्त हो गया भाई, उठे तो सही, रोजे रखने नहीं है। नानो का भी रोजा हो गया ठीक है, नानो की इफ्तारी वगैरह चल रही है, हम भी जो है बाकी अपनी इफ्तारी जो है ना मुकाते हैं। कितने बजे से शेर जांदा बीच मेरी हल्की सी आंख लगी थी, जब उठा तो रूप गायब हुई थी भाई यहाँ से। सरी का भी टाइम है ना घंटे तक, तो होपफुली नीचे होगी। एनीवेज वेलकम बैक हो भाई। देखो फिर वही गल, जब मैं इन्हें देखता ना व्लॉग्स, मेरा रोस्ट करने को दिल कर जा। हूँ भाई कहता कि जो मैं उठा रूप गायब हुई हुई सी, नहीं मैं चुप कर जाना, रोस्ट नहीं करना, रिएक्शन करना है। के अंदर अगर अभी तक तुम लोग ने डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और डक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लो। अभी नीचे जाके देखते हैं कि सूरत हाल क्या है भाई। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है ठीक है, सन्नाटा हुआ हुआ है क्योंकि सारे जो है अंदर बैठ के सैरी उसूरी कर रहे हैं। अभी चलते हैं नीचे भाई। भाई दरवाजे का मारा इशू है ठीक है, हल्का सा बंद करें, ठक करके पूरे घर में जलजला आ जाता है। क्या हुआ है? 10 मिनट रह गए, जल्दी सैरी करो। 10 मिनट नहीं रहते, अभी 20 मिनट रहते हैं भाई। क्या खा रही हो? अंडा। अंडा भाई हमारी सैरी में जो है ये बना है, चिकन का सालन अभी हमारा बनना है। सारा मटन है, मटन है क्या है? मटन का सालन हमारा भी बन रहा है, साथ रोटियां छोटियां बन रही है गर्मा गर्म, और साथ अंडा चंडा है। जल्दी से सही कर लो। अरे मैं 5 मिनट में खा लेता हूँ, 2 रोटियां तो मेरा पता नहीं है। सवेरे सवेरे कुछ भी खा सकते हो तुम सवेरे जे, या फिर तो बना सवेरे आए राज्य जे, पर फिर भी यार राज्य के जब मैं सवेरे खाना भी है ना कई कि ट्रैवल करना 4 बजे मैं खाना, तो भी मैनू 8-9 बजे वही भुख लग जाती दोबारा, चाहे जिन्ना मर्जी खा ला। सो ये मेरे ख्याल ये टैक्निक तुहाडी काम नहीं आऊगी कि तुसीं सवेरे सवेरे भर पेट भर खा लो कि तुहानूं सारा दिन भुख नहीं लगनी। मेरे नाल तां नहीं ये चीज़ वर्क करूगी कदे भी, थोड़ी ना होंदी कि नहीं मैं थल्ले कमेंट करके दस्सो ठीक है। जल्दी जल्दी है, तो आधे घंटे पहले सैरी करने वाले। हां तुम उन लोगों में से हो जो एंड मोमेंट्स पे चीजें बाइट इतने इतने बाइट भर रहे होते हैं। पूछा मैंने कुछ, जल्दी से भी खाओ ताकि एंड टाइम पे सिर्फ हम पानी। अरे जितनी लेट सैरी करेंगे ना उतना छोटा रोजा होगा, तुम है कि नहीं समझ रही। क्या बात है सर, और ये पानी का जो है पूरा जग भर के लाओ भाई, मैंने पूरा पानी पर पूरा मैंने टंका पीना पूरा। अच्छा पानी भी नहीं पी सकते? हाँ बल्कि मैं तो कहता हूँ जो जमजम वाटर लेके आए थे हम लोग उधर मक्का से वही वाला पीते हैं, पर पूरे रमजान है तो तकसीम कर दिया। ओए मैं तो कहता हूँ दोबारा चले जाते हैं, पूरा टैंका भर लाते हैं दोबारा से, तो चले जाए ना है रमजान के एंड पे फुल रश के दौरान, ड्यूरिंग रमजान एंड पे जाना है तो बताए। रश बहुत ज्यादा होगा लेकिन फिर जाना पड़ेगा भाई। मुझे तो इस पे कुछ लगाना नहीं, सादा रोटी, सादा रोटी ठीक है भाई, सादा रोटी है ठीक है, साथ हम लोग जो है ना सादा सा अंडा खा लेते हैं। अभी सालन सुलन ही हम लोग खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है ना रात को खा लिया था, तो पेट वैसे भरा हुआ है मेरा। ओ ये तुम बात कर रहे हो, क्या मैंने खाया? मैं नहीं खाऊंगा, खाने को तुम कर रहे हो।
अरूप को मैं डेढ़ महीना दुबई छोड़ के आया हूँ, ये इंतहाई ठंडी हो गई है, मैं दिल नहीं करता इसकी चूसे सुनने का। दस मिनट रह गए, मुनीब नहीं उठा, अम्मा मुनीब को चुपेरे मार के उठाया ना यार। ओए ओ दस मिनट रह गए, दस मिनट रह गए, सैडी का वक्त हो गया भाई, उठ तो सही छोटे भाई, कोई जिंदगी नहीं होती। क्या होता है इतना टाइम रहता है यार, अभी टाइम पर है, मैं भी नहीं उठा। अरे टाइम कोई नहीं है, उठ उठ जा मुनीब, टाइम नहीं है यार, उठ फिर सैडी के, उठ टाइम पर है, मैं भी नहीं उठा। अरे टाइम कोई नहीं है, उठ उठ जा मुनीब, टाइम नहीं है यार, उठ फिर सैडी के बर्तन भी धोने हैं भाई, बड़े काम है, सैडी करने के बाद सैडी के बर्तन भी धोने हैं भाई, उसके बाद इफ्तारी का सामान भी लेके आना है, ऊपर आ जल्दी कर मुनीब, उठ उठ वड्डा तू सुपरमैन। फिर अजान होने के बाद आप ठुसी जाओगे, पानी पिए जाओगे, ठीक है, खाना खाई जाओगे, पूरे रोजे रखने इस साल। इधर आ, अपनी माँ भी आपको बुला रही है, ठीक है, कह रही है मुनीब को उठा के ला, उठना या नहीं, टाइम ना जाया करवाओ, दो मिनट में आ रहा हूँ, दो मिनट। ये भाई ऐसे नहीं मानेगा भाई, ना कर यार, हद हो गई है, टाइम ना जाया कर, ये बड़े होंदा जड़ा फायदा ना, उठा जाऊंगा तो बढ़िया है, हां टाइम ना कट जाएगा, चल दो मिनट लगा, चल सारों की जो है सैरी वगैरह हो गई है, ठीक है, टेबल खाली हो गई है, ठीक है, जैसा तुम लोगों को पता है कि यार आपका भाई जो है सुबह सुबह उठ के औरतों की हेल्प करा रहा है सैरी के दौरान, इसलिए जो है अब बिल्कुल एंड पे हम लोग जो है सैरी करेंगे, कोई बात नहीं, चल फटाफट खा ले, दो मिनट रह गए हैं भाई, उधर तीजा भरा भी है ना, वो फोन बैठा भाई, नींद में था इतना अच्छा खा पा रहा था, तुमने उठा दिया, अरूप उसको नाम भूल गया अपना, इतना नींद में है, क्या नाम है भाई आपका, है जियान है, आप नाम भूल गया उसको, है सोच है कि नाम क्या है इसका, तुम लोग को बताया कि यार रात को जो है हम लोग बहुत सारा खाना खा के पेट भर के सोए थे, इसलिए जो है हम लोग थोड़ी सी सैरी करेंगे, इसलिए बस मेरे पास एक पराठा, दो पराठा, दो रोटी और चार अंडे का जो है हम लोग बस थोड़ी सी सैरी करेंगे, शाबाश, ये रोजा हमारा हो जाएगा भाई, तो बस ये रोटी अंडे का जो है ना हम लोग सैरी मुकाते हैं, उसके बाद सोना नहीं है भाई, नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद टाइम पे उठने जोहर के वक्त, फिर नमाज पढ़नी, ये ना हो कि आप अभी जाके टेट भर के सो जाओ फिर उठो बिल्कुल इफ्तारी के बाद, चुप कर कुत्ते, अभी सुबह कदर नहीं हुई तुम्हें शरीर मजा, मिलते हैं अभी तुम लोगों को नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तक आके सो के सुबह ही मिलेंगे, अब 6.5 hours later सुबह हो चुकी है, मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है भाई, ठीक है, इस साल जो है ना ठंडा ठंडा रमजान गुजर रहा है, ठीक है, बड़ा टाइम बाद जो है ठंडा रमजान है और बड़ा ही कोई इस मैकसी मौसम हुआ पर है, जितने भी लोग सोच रहे हैं डक्की भाई अब आप भी शाम को उठ रहे हो है सैरी करके, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बीच में उठा था मैं नमाज तो कहीं दोबारा से हो गया था, अच्छा अभी नीचे जाके देखते, ठीक है, इफ्तारी की जो है ना प्रेपरेशन हो रही है भाई, अमल जी अच्छा नहीं की हाँ भी सो के टाइम नगा देने के हाँ जो तो भुख घट लगे है, देखो ये मैं लगता कई जने ट्रिक अपनाते हो गए, दस्यो तो कमेंट करके करते कि नहीं करते, काम तो हो गया ना, क्या हो रहा है भाई, जो नमाज पढ़नी है उदो उठना है, पपाया पपाया मुझे कुछ ये क्या बना रहे हैं, हाँ ये ठीक है, अनार है, केला है, सेब है, गरमा, अम्मा पपाया अलग रख ली, मुझे पपाया नहीं पसंद यार, करवा करवा होता है पपाया यार, इसके अलावा क्या क्या है, मीठे भी होते हैं, फ्रूट चाट तो बना लिया, उसके बाद बनाना, उसके बाद ऑरेंज है, कुकीज केक्स वगैरह पड़े हुए हैं भाई, भाई मैंने जो है ना डिसाइड किया हुआ है कि कोई समोसे पकोड़े गंद बला इस तरह की हमने कोई चीज नहीं खानी, हाँ गंद बला नहीं कहते, पकोड़े समोसे फेवरेट, अम्मा वो डीजल में जो बनते हैं डीजल में बनते हैं, वो खाने के तेल में नहीं बनते, वो डीजल में फॉर्चूनर की डीजल निकाल के ना जो काला तेल हो जाता है वो निकाल के उसके अंदर बनते हैं, गंदा गलीज ही हुआ, और वो कहावत वैसे भी है ना कि जितना घरे बना के खाओ, बात तो सही है, तुम खाना डाइट इफ्तारी अंगी नहीं, हमने सिर्फ फ्रूट्स खाने, पानी पीना है और बस दो खजूरें, चल झूठा मुझे पता था, आजकल कितने बन रहा है, 5 मिनट रह गए और ये भाई साहब अभी तक सो रहे हैं भाई, उठ, मुझे पता था आपने सैरी से लेके इफ्तारी तक सोए रहना है, ये ड्रामेबाजी है, आप प्रो मैक्स हो इसके अंदर, और आपने आप पूरा 30 दिन ऐसे ही जो है रमजान गुजार के कहने के मैं तो भाई सारे रोजे रखने वाला शरीफ आदमी हूं है, इफ्तारी का टाइम हो गया, ये रोजा हुआ है इफ्तारी का टाइम, 5 मिनट रह गए इफ्तारी के टाइम में भाई, उठ रुक जाओ मैं उठ रहा था, टाइम पे उठा करो ना यार, ये ड्रामेबाजी है यार, आओ यार इफ्तारी करें, इफ्तारी की टेबल पे इसने दुआ भी नहीं पढ़नी और फटाफट जो है पकौड़े पकड़ लेने इसने हाथ में, मुझे पता है भाई, देखो ये कोई मम्मी डैडी बन रही है, कोई बच्चों की क्या बन रहा है भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी डाइट है, नहीं इन्हीं खाने से तेल निकाल लेंगे ना, तो मैं भी खा लूंगा तो भाई साथ जो है दूध रूह अफजा बन रहे हैं, अजान हो गई है, अजान की बाकी आवाज आ रही है, चलो जी इफ्तारी करो, चलो जी फटाफट अजान होगी, अजान होगी, अजान होगी, अजान होगी, दो मिनट ऊपर भी हो गया,
बड़ी अफ्तारी लेट होगी, अभी चीजें बंद नहीं है, रू अफजा है, फ्रूट चाट है, बाकी चीजें बंद है। किसी ने किसी का फेस आया सी ना, उन्होंने ब्लर किया सीगा, कोई होर भी आई थिंक गेस्ट आए हुए इन्होंने घर से ब्लर कर रहे, ठीक है वधिया है, प्राइवेसी रखनी चाहिए है। उठा करो ना, खाना बनाया करो ना फिर यार, आपकी वजह से लेट हो गया सब। कल से बना लूंगा, कल से क्या बना लोगे बेवकूफ, चुप कर बे कुत्ते। मैं फूड चाट उन्होंने डाली, बड़े मजे की जो है ना, फूड चाट लग रही है। मुनीब दा अंदरला जेड़ा भरा ओदा वो ये कहंदा है चिकन टेंडर पॉप्स भी आ गए, मम्मी डैडी किस्म के ठीक है। और तुम लोगों को पता है कि डाइट इफ्तारी हो रही है तो हम लोग नहीं खाएंगे, बस हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं, एक पीस बस उठा लेते हैं ठीक है, बल्कि एक और उठा लेते हैं बस ये एक ग्लास उठा लेते हैं, बस एक ग्लास उठा लेते हैं डाइट पे हो ना मैं तो इसलिए बस एक ग्लास उठा लेते हैं। मैंने अपने लिए बीच में ना बोल, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा साफ साफ खाऊं, ज्यादा ना खाऊं, तो इसलिए बस एक और लाश उठा लेते हैं। तो है ये आ चुकी है हमारी बाकी की फूड, ठीक है साहब, बिरयानी है ठीक है, मीठा है, चिकन टिक्का है, हाँ कीमे वाले नान भी हैं भाई। नानू ने रोजा रखा था आज? नानू का रोजा था? पक्का नहीं लेकिन रोजा था है, नानो का भी रोजा हो गया ठीक है, नानो की भी इफ्तारी वगैरह चल रही है, छोटे छोटे चिकन के पीसेस वगैरह हमने करके दिए हैं, नानो खा रही है ठीक है, हम भी जो है बाकी अपनी इफ्तारी जो है ना मुकाते हैं, लेकिन हम जो है ना बस ये टिक्का टुक्का खाएंगे थोड़ा। नानी जी का मन जो सोचते होने कि ये की जमया है, की खाया है, जब रोटी भी नहीं खान देता, कैमरा चक के मेरे अगे बार बार कर देता। No roast, यार रिएक्शन उठा लेता हूं। थोड़े हम चावल टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने के लिए कि बने कैसे हैं। तुम तो डाइटिंग पे परेशान रूप, टेस्ट करने से क्या होता है यार। अम्मा बहुत मजा बनी है, मजा आ गया भाई, मजा आ रहा है। तो यार इफ्तारी करके टेटी शिट बन के फारे हो गए हैं ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है, इवन तो तुम लोगों के सामने मैंने बहुत थोड़ा खाया यार, फिर भी सुस्ती हो रही है। और जो कैमरा बंद करके तुम्हें बिरयानी ठूसी है वो रूप, तुम खुल खुल के मेरी स्कीमें बताई जा रही हो, मैंने तुम्हारी स्कीमें बतानी शुरू कर दी, लोगों ने अनफॉलो मार देना तुम्हें। आज की सारी रूप पूरी की पूरी तुम बनाओ है, क्या ख्याल है? ठीक है, तुम्हारा जो तुम्हें बनाना आता है ना बना लेना, कोई बेशक बेसिक चीज हो, चैलेंज है तुम्हें, है कोई लेवल की तुम्हें सहरी बनानी, मजा आना चाहिए। डन हो गया कि नहीं? डन भाई, देखो रूप कितनी शरीफ हो गया, रमजान आया ठीक है, डन बन बन। अभी देखते हैं, हो सकता है अगर अरूप में एनर्जी हो तो आज की सैरी जो है अरूप बनाएगी भाई ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के टक्की भाई व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल। ओके नाइस यार, गुड वन भाई। सो ये सी अज की एक वीडियो जिद देखा कि पाकिस्तान के कोई फैमिली आई थिंक, पर आप एवरेज फैमिली इन्हों कंसीडर नहीं कर सकते ना मेरे ख्याल, क्योंकि किसी होर कैटेगरी आ गए, मतलब जी एवरेज फैमिली है उन्होंने की रूटीन हों, क्योंकि जोड़े वेले आ मेरे ख्याल खाते हैं, तो डक्की भाई वागू नमाज पढ़ने उठते हैं, फिर सौ जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सौंते हैं, मतलब चलो रमजान के खा तो नहीं सकते, पर सौना ते नमाज पढ़ना, सौना ते नमाज पढ़ना, ये वाला जो प्रोसीजर है इनू तो फॉलो करते हैं कई जने, मैनू लगता, पहले कमेंट करके दस दौ कि कई लोग करते इदा कि नहीं करते ठीक है। तो बाकी वीडियो कैंड से आई थिंक बच्चों के लिए हाफ रोज़ा होंगे ना, अद्धा रोज़ा रख सकते हैं हाफ, यार सही है यार, चीज़ तो वधिया, देखो साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है कि तुहानू एक दिन भुखे रहना चाहिए ठीक है, उहदे नाल तुहाडा जिहड़ा बॉडी का सिस्टम है ना वो सारा सिस्टम जिहड़ा सैट हो जाता। हिंदुइज़म दे विच फास्टिंग सिस्टम हुंदा, रमज़ान दे विच इस्लाम दे विच रमज़ान एक अहम, कुछ महीना हुंदा जिहदे विच तुसीं ये जिहड़ा रिट्यूल है इहनूं तुसीं अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हो आपकी लाइफ दे विच, ते आई थिंक वो तुहाडी बॉडी स्ट्रक्चर नूं, बॉडी का जो अंदरला प्रोसैस आ उहनूं भी सारा वधिया सिस्टम साफ कर दिंदा, कहिंदे आ कर सकदे आ यार, रोज़ा रख के देखांगे किस दिन, रख के देखा है ना, रख सकते हैं आप जिम वाले कितने रख सकते हैं, सवेर तो जो ठूसन लगते हैं खा खा के नहीं रख सकते। सो एनीवेज गाइस, ये सी आई वीडियो, मजा आया वीडियो देख के तुहाडे नाल, ते चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, बाकी ये पक्का दस के जायो कि एक एवरेज फैमिली का डेली जो रमज़ान के रोज़ा जो रखते हैं तो वो जो उन्होंने रूटीन होंगे वो कि होंगे ठीक है। सो मिले थोड़ा अगली वीडियो मिलते हो, इजाजत, सत श्री अकाल।